भिवानी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि इस बार देश व प्रदेश में किसी भी दल की पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं बनेगी। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए आप व जेजेपी गठबंधन बनने से पहले ही टूटने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री के इस बयान पर कि प्यार और जंग में सब जायज है पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछेंगे कि उन्होंने किससे प्यार किया और किससे जंग लड़ी। कई गठबंधन ऐसे भी है जो बड़े न्यूज से पहले खत्म हो गए और प्रदेश और देश के जो राजनीतिक हालात है उससे ना तो ऐसा लगता कि देश में कोई स्थायी सरकार बन पाई। अदालत में जाए तो सही, अखबार में बयान देना और अदालत में जाने में जोर आवे। बयान तो कोई दे दे, टिकटें बेची नहीं, जिनसे टिकटों के पैसे लिए अब तक भी नहीं दिए, वो तो रोते हंड हैं। उन लोगों के नाम आगे उजागर कर रहे हैं जिनको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने टिकट दी थी। इन्होंने तो जिनको पैसे लेकर के जिनको ये आश्वासन दिया था टिकट देंगे, उनको तो चौटाला साहब ने टिकट दी नहीं। उनको जैसे इस बात का आभास हुआ कि कहीं तेरी पार्टी की टिकटें भी आज बेची जा रही है, उन्होंने तुरंत उन लोगों का उस पंक्ति से नाम अलग कर दिया। आपको बता दें कुछ रोज पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्यार व जंग की तरह राजनीति में भी सब जायज होने को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री से पूछेंगे। विधानसभा का सत्र आ रहा है, मुख्यमंत्री विधानसभा में मिलेंगे, 100% पूछूंगा कि किससे प्यार किया, किससे जंग लड़ा आपने आज तक, ये तो बता दो। जो हर चीज को जायज मानते हो, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी नहीं निभा पाए। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भवानी खेड़ा कस्बा के गांव अलगपुरा पहुंचे थे। अभय चौटाला यहां अपनी पार्टी के जिला प्रधान सुनील लांबा की बेटी के शादी समारोह में शामिल होने आए थे। वहीं इस दौरान अभय चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और ताजा राजनीतिक हालातों में इनेलो द्वारा जल्द ही बड़ी रैली करने पर चर्चा की।